तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अगर पर्सनल लोन के बारे में जानना है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बता रहे हैं जो कि है मनी व्यू ऐप। अगर आप लोग मनी व्यू ऐप से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, 3 लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मनी व्यू ऐप आपको कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है और किस भी ऐप पे आपको लोन प्रोवाइड कराता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कितनी मंथली इनकम होनी चाहिए सैलराइड पर्सन की, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की, साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है, तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके मन में होते हैं इनका आज डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग पर्सनल लोन से रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं पहले मनी व्यू की ऑफिशियल साइट पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मनी व्यू की पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट चार्जेस साइट पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मनी व्यू में इंटरेस्ट रेट आपको पर्सनल लोन पर प्रोवाइड करा रही है मनी व्यू ऐप, या आपको 1.33% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही है। बात करें अब अगर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की, तो लोन प्रोसेसिंग जो चार्जेस है वो 2% से स्टार्ट होंगे आपके लोन अमाउंट के भी आप पे। बात करें अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एंड ओवर ड्यू ईएमआईस की, तो यहाँ पर 2% पर मंथ एंड ओवर ड्यू ईएमआई प्रिंसिपल लोन अमाउंट से आपका लिया जाएगा। चेक बोनस की बात करें तो ₹500 इस टाइम पे आपको ₹500 देने होंगे। लोन कैंसलेशन की बात करें, नो एडिशनल चार्जेस लिव्ड। लोन अगर आप लोग कैंसिल कराते हैं तो कोई भी आपको एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही है वो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट आपको 1.33% मनी व्यू ऐप आपको प्रोवाइड करा रही। अब अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन पर। बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो 20 ईयर्स होनी चाहिए, 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज आपकी 57 ईयर्स होनी चाहिए। अब अगर बात करें सैलरी, अब बैंक ट्रांसफर से सैलरी की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इफ यू डोंट हैव अ क्रेडिट हिस्ट्री, योर लोकेशन थेन मुंबई और एनसीआर रीजन, योर मिनिमम मंथली इनकम, योर मंथली जो इनकम होनी चाहिए अगर आप लोग मुंबई थाने और एनसीआर से आते हैं तो ₹20,000 आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। आपका जो सिविल स्कोर है वो 650, अब 650 675, 675 के अबव होना चाहिए, और तब आपकी जो मंथली ईएमआई वो 15,000 होनी चाहिए, तब आपको मनी व्यू ऐप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट से पर्सनल लोन प्रोवाइड कराएगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये सिविल स्कोर इंटरेस्ट रेट पर क्यों डिपेंडेंट, तो मैं आपको बता दूं, आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा कम कोई भी ऐप या कोई भी बैंक प्रोवाइड कराती है, और आपका जो सिविल स्कोर है जितना ही ज़्यादा पुअर या फिर बैड की कैटेगरी में होगा बैंक या फिर कोई भी अदर ऐप जिससे आप लोग पर्सनल लोन या कोई अदर लोन ले रहे हैं, वो आपको उतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। अब अगर बात करें कि अगर आपका सिविल स्कोर 300 और 675 के बीच में होता है, तो आपकी जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए मंथली इनकम वो ₹25,000 होनी चाहिए, और फॉर अदर्स यू इन हैंड सैलरी मंथ हैज भी ₹13,500 आपकी। अगर आप लोग इन सब में चीज़ों में से नहीं आते हैं तो मतलब आपका सिविल स्कोर मेंटेन नहीं है, तब आपकी मंथली या जो सैलरी होनी चाहिए वो ₹13,500 होनी चाहिए। और बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो मंथली जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 25,000 या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है हमारी मनी व्यू ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा, पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट देना होगा, वैलिड वोटर आईडी, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। अब अगर बात करें प्रूफ ऑफ एड्रेस की, तो यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, वैलिड इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, वैलिड वोटर आईडी दे सकते हैं, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, साथ ही साथ में यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर गैस, इन तरह के बिल दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम में मैंने आप सबको बता दिया कि सैलराइड पर्सन लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनको लास्ट 3 मंथ्स का उनको भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको प्रूफ ऑफ इनकम प्रोवाइड करानी होगी यहाँ पर। तो ये कुछ
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात हो गई। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम अगर यहाँ पर 3 लाख का एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग 3 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हैं मनी ऐप से, तो आपको यहाँ पर कितनी मंथली ईएमआई पे करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताया कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.33% पर मंथ का पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो हम आ चुके अपने ईएमआई कैलकुलेटर में, ये एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन, साथ ही साथ कार लोन की मंथली ईएमआई को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पर्सनल लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम लोग पर्सनल लोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा पर्सनल लोन है वो 3 लाख रुपए है, तो यहाँ पर हम लोग पर्सनल लोन 3 लाख रुपए सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं पर्सनल लोन अमाउंट को हमने 3 लाख के लिए सेलेक्ट कर दिया है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो हमारा 1% से भी कम है। तो यहाँ पर हम लोग एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर मंथ के अकॉर्डिंग 5% का ले लेते हैं। लोन टेन्योर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 साल का। आपकी मंथली ईएमआई जाएगी वो 13,161 रुपये जाएगी। टोटल इंटरेस्ट पेबल आपको 15,874 रुपये करना है। टोटल पेमेंट आपकी 3,15,874 रुपये होगी, जिसको आप लोग ग्राफ वाले सर्कल समझ सकते हैं। प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 95% है और यहाँ पर आपकी टोटल इंटरेस्ट 5% है। इस ईएमआई कैलकुलेटर में आपको अपनी ईएमआई को समझने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चार्ट और ग्राफ दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए मिलते हैं।